हेलो स्टूडेंट्स, टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस क्लास 12 चैप्टर 1 एनसीईआरटी फिजिक्स क्वेश्चन नंबर 30। सो दिस क्वेश्चन सेज ऑब्टेन द फॉर्मूला फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ लॉन्ग थिन वायर। मतलब हमारे पास एक वायर है, लेट अस कंसीडर ये हमारा एक वायर है जैसे यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है, ठीक है। एक फॉर्मूला हमें ड्राइव करना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का, इस लॉन्ग मतलब हम इसे इनफाइनाइटली लॉन्ग लेंगे, ठीक है। इन्फाइनाइटली मतलब ये बहुत, ये यहाँ पे प्लस इन्फाइनाइट तक जा रहा है और ये यहाँ पे माइनस इन्फाइनाइट तक जा रहा है। तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। हम मान लेते हैं कि यहाँ पे किसी r डिस्टेंस दूर हमें यहाँ p पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है, ठीक है, इस पूरे चार्ज वायर की वजह से। तो कैसे होगी? तो देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होती है, एक कहीं पर चार्ज रखा होता है, तो अगर ये r डिस्टेंस पे है तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता था, k क्यू बाई r स्क्वायर, उस चार्ज से उस इलेक्ट्रिक फील्ड के पॉइंट तक की डिस्टेंस। लेकिन यहाँ पे तो हर जगह चार्ज है, यहाँ चार्ज, यहाँ चार्ज, यहाँ चार्ज, यहाँ चार्ज, पूरा इन्फाइनाइटली तक चार्ज ही चार्ज है। तो यहाँ पे हम इंटीग्रेशन का यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हम एक चार्ज को कंसीडर कर लेंगे। लेट अस कंसीडर कि हमने यहाँ पर एक चार्ज ले लिया इस छोटे से पोर्शन में डी क्यू, ठीक है। अब इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे और इसकी वजह से निकालेंगे, फिर पूरा उसको इंटीग्रेट कर देंगे तो हमारा पूरे वायर के लिए चार्ज आ जाएगा। इंटीग्रेशन अभी तक आप लोगों ने पढ़ा नहीं होगा, पर आगे आएगा, इजी है इस क्वेश्चन के लिए। तो डी क्यू यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस मैंने, ये आर है और मैंने एक्स डिस्टेंस दूर हमने एक डी क्यू चार्ज यहाँ पर ले लिया, इतने चार्ज में से एक छोटा सा चार्ज। तो ये हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। अगर इस एंगल को मैं थीटा मान लूँ तो ये हमारा हाइपोटेन्यूज कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। और इलेक्ट्रिक फील्ड ये पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होती है, अवे है ना। तो पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड अवे होगी, तो इस डी क्यू से ये इस तरीके से जारी होगी इलेक्ट्रिक फील्ड। और ये छोटा सा चार्ज है तो छोटे से चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होगी, छोटी सी, मतलब डी ई इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी वजह से आ गई। इसको हम आगे एक्सटेंड कर लें तो ये एंगल भी थीटा हो जाएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। अब इस डी ई का यहाँ पे कंपोनेंट कितना हो जाएगा, डी ई कॉस थीटा, ये इसका कंपोनेंट। यहाँ अगर नीचे देखें तो हो जाएगा डी ई साइन थीटा, लेकिन ये डी ई साइन थीटा वाला कंपोनेंट कैंसिल हो जाएगा। कैसे? चलो यहाँ के हमने सारे डी क्यू चार्ज ले लिए, मान लो अगर यहाँ पे कोई डी क्यू चार्ज होता तो ये डी क्यू चार्ज होता तो ऐसे ऐसे करके यहाँ पे डी क्यू चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड डी ई होती, इसका भी यहाँ पे कंपोनेंट होता डी ई साइन थीटा, ठीक है ना, और यहाँ पे भी होता डी ई कॉस थीटा। तो ये डी ई साइन थीटा कैंसिल आउट हो जाएंगे। ज़रूरी नहीं ये वाला चार्ज हो, यहाँ का ले लिया तो भी ये सेम केस बनता, यहाँ 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 यहाँ, या फिर कहीं कितने भी पेयर बना लो चार्ज के ऊपर नीचे, डी ई साइन थीटा हर किसी में कैंसिल आउट ही होगा। ऐड कौन सा होगा, डी ई कॉस थीटा, ये तो कैंसिल आउट ही होगा, चाहे कोई सा भी चार्ज उठा लें हम इधर से भी या चाहे उधर से भी। तो हमारे पास जो हमें इंटीग्रेट करना है वो सिर्फ हमारे पास क्या होगा, डी ई कॉस थीटा, अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारी लाइन चार्ज है, लाइन चार्ज से हमारे पास सबसे पहले क्या दिमाग में आना चाहिए, लाइन चार्ज डेंसिटी। तो हमारी क्या होती है, लैम्डा, जो हमको दी गई है इसमें। तो लैम्डा क्या होता है, चार्ज पर यूनिट लेंथ। ऐसी सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होती है, चार्ज पर यूनिट एरिया। तो ये चार्ज पर यूनिट लेंथ होगी, तो मतलब चार्ज पर यूनिट लेंथ। चार्ज कितना है हमारे यहाँ पे, छोटा सा चार्ज है डी क्यू, ठीक है। और हमने इसकी लेंथ कितनी दूर, मतलब लेंथ हमने ली है, छोटा सा चार्ज है तो इसकी लेंथ एक्स, ठीक है। तो हमारा ये डी क्यू की वैल्यू अगर हम निकालना चाहें इस छोटे से चार्ज की, तो क्या आ जाएगी, लैम्डा एक्स। और ये अगर छोटा सा चार्ज लिया तो हमारी इसकी डिस्टेंस भी हम देखेंगे कि छोटी सी ही होगी। तो ये अगर यहाँ पे डिफरेंशियल फॉर्म में है तो यहाँ पर भी डिफरेंशियल फॉर्म में ही होना चाहिए, तभी तो एक दूसरे से इक्वल हो सकते हैं ये। तो यहाँ पे हम लैम्डा डी एक्स लेंगे, ये हमारी डिस्टेंस भी छोटी सी, छोटा सा चार्ज अपॉन छोटी सी डिस्टेंस, लैम्डा डी एक्स, ये हमारी डी क्यू की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब हमें इंटीग्रेट क्या करना था, डी ई कॉस थीटा को, क्योंकि सबके ऐसे सब कैंसिल आउट होकर डी ई कॉस थीटा बचेगा। तो फिर हमारी जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी टोटल इस पूरे चार्ज की वजह से, वो क्या होगा, इंटीग्रेशन डी ई कॉस थीटा, ठीक है। डी कॉस थीटा का इंटीग्रेशन कहाँ से हो रहा है, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक। तो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक डी ई, अब डी ई की वैल्यू चाहिए हमें और कॉस थीटा की वैल्यू चाहिए, क्योंकि ऐसे तो इंटीग्रेट कर नहीं देंगे। तो डी ई की वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, के क्यू बाई आर स्क्वायर, नॉर्मल फॉर्मूला है। तो पर यहाँ डी ई है, तो डी ई के टर्म्स में ये कैसा हो जाएगा, डी ई वाले टर्म्स में हो जाएगा, मतलब के डी क्यू बाई आर स्क्वायर। आर स्क्वायर क्या है, डिस्टेंस, किसके बीच की, चार्ज
और उस पॉइंट के बीच की जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो हमारे केस में कौन सी डिस्टेंस आएगी, ये वाली, क्योंकि हमारा चार्ज ये रहा और ये पॉइंट ये रहा, तो यहाँ पे आर स्क्वायर की जगह हमारा यंड रूट हट जाएगा, तो नीचे क्या आ जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो के डी क्यू की जगह हम लैम्डा डी एक्स रखेंगे और आर स्क्वायर की जगह हमारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, अंडर रूट हट गया क्योंकि यहाँ स्क्वायर हो गया इस वाली डिस्टेंस का। तो डी की वैल्यू आ गई। अब आती है कॉस थीटा की वैल्यू। कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तेरा थीटा तो बेस, इसके लिए क्या है आर, हाइपोटेनियस क्या है ये, तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी आर अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये दोनों वैल्यूज हमें यहाँ पे पुट कर देनी है। चलिए पुट करते हैं फिर। ये हमारा इंटीग्रेशन डी की वैल्यू आ गई हमारी के लैम्डा डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इंटू कॉस थीटा की वैल्यू आर अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये इंटीग्रेशन से बाहर कौन कौन सी चीज़ें आ जाएंगी जो कांस्टेंट है। कांस्टेंट हमारा के कांस्टेंट है, के को हम बाहर ले लिए, लैम्डा कांस्टेंट है, लैम्डा को हम बाहर ले लिए, आर कांस्टेंट है क्योंकि हम डिस्टेंस तो हमारी यही है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड तो हमें यही फाइंड करनी है। आर हमारी चेंज क्या होगी, ये वाली चीज़ चेंज होगी ना, ऐसे ऐसे ऐसे, और थीटा चेंज होगा, ये वाली डिस्टेंस चेंज होगी और थीटा चेंज होगा, या आर डिस्टेंस तो ऐसी रहेगी क्योंकि पॉइंट तो सेम ही रहेगा ना, तो आर डिस्टेंस हमारी सेम ही रहेगी, तो आर भी हमारा कहाँ आ जाएगा, बाहर। ये इंटीग्रेशन से बाहर आ गए। अब यहाँ पे क्या बचा, ऊपर डी एक्स बचा और नीचे क्या बचा, ये एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर वन है और यहाँ हाफ मतलब अंडर रूट मतलब इनकी पावर वन बाई टू है, तो मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाएंगी, वन प्लस वन बाई टू इज़ थ्री बाई टू, तो यहाँ बचा एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर थ्री बाई टू। अब इसका इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। अब इसका इंटीग्रेशन करने के लिए अब आगे का तो ये कॉम्प्लेक्स हो गया, डिनोमिनेटर हमारा इतना कॉम्प्लेक्स आ गया, तो इसके लिए हम एक और चीज़ देखेंगे, वो अपनी बुद्धि से चलानी है, वो प्रैक्टिस के साथ आती है, वो हम यहाँ पे अब निकालेंगे टेन थीटा, ठीक है। टेन थीटा हमारा क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस एक्स अपॉन आर। यहाँ से हम वैल्यू निकालेंगे क्योंकि हमें चाहिए डी एक्स की वैल्यू, तो डी एक्स तो हम यहाँ पे एक्स रखेंगे पहले, एक्स इज इक्वल्स टू आर टेन थीटा, यहाँ इसको इंटीग्रेट करेंगे थीटा के रिस्पेक्ट में, तो डी एक्स बाई डी थीटा, सॉरी डिफ्रेंशिएट, डिफ्रेंशिएशन तो आता होगा, तो आर हमारा कांस्टेंट है तो आर ऐसी कैसा, टेन थीटा का डिफ्रेंशिएशन होता है हमारा सेक्स स्क्वायर थीटा। अगर ये नहीं भी बताएं तो अभी ये याद कर सकते हैं कि टेन थीटा का डिफ्रेंशिएशन सेक्स स्क्वायर थीटा होता है, और थीटा टेन थीटा का सेक्स स्क्वायर थीटा, थीटा थीटा का वन, क्योंकि थीटा के रिस्पेक्ट में तो हम कर ही रहे हैं। यहाँ से हम डी एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे, आर सेक्स स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा, ये हमारी आगे डी एक्स की वैल्यू। डी एक्स की वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे, के लैम्डा आर इंटीग्रल डी एक्स की वैल्यू आ गई हमारी आर सेक्स स्क्वायर थीटा और डी थीटा अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की वैल्यू, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू हम रख देंगे आर टेन थीटा, तो एक्स की जगह हमने रख दिया आर टेन थीटा, और ये एक्स नहीं है एक्स स्क्वायर है, प्लस आर स्क्वायर की होल पावर थ्री बाई टू। फिर से ये के लैम्डा आर ऐसी का ऐसा, यहाँ आर भी हम बाहर ही ले लेते हैं क्योंकि ये कोई कांस्टेंट चीज़ है, ऊपर क्या बचा सेक्स स्क्वायर थीटा डी थीटा अपॉन नीचे हम आर स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा प्लस का आर स्क्वायर की पावर थ्री बाई टू। अब यहाँ पे के लैम्डा आर स्क्वायर ऐसी सेक्स स्क्वायर थीटा डी थीटा अपॉन आर स्क्वायर कॉमन आ जाएगा आर स्क्वायर, और यहाँ पे बचेगा टेन स्क्वायर थीटा प्लस का वन, और इसकी होल पावर थ्री बाई टू। अब आर स्क्वायर की पावर थ्री बाई टू कितना हो जाएगा, जैसे कि ये आर स्क्वायर है इसकी पावर थ्री बाई टू, तो टू से टू कैंसिल आउट, थ्री बचेगा तो हो जाएगा आर क्यूब, आर क्यूब को हम निकाल लेंगे बाहर, तो के लैम्डा आर स्क्वायर और ये हमारा आर क्यूब आ गया बाहर, ये वैसी सेक्स स्क्वायर थीटा डी थीटा, और यहाँ क्या बचेगा वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है सेक्स स्क्वायर थीटा, और सेम ऐसे ही सेक्स स्क्वायर थीटा है और इसकी पावर में कितना है थ्री बाई टू, भी इसकी पावर में, टू भी इसकी पावर में, टू से टू कटेगा, सेक्स सेक क्यूब थीटा बचेगा यहाँ पे, सेक क्यूब थीटा। अब देखो ये कितना ईजी सा हो गया, आर स्क्वायर से यहाँ पे ये कट गया, बस एक आर बचा, और यहाँ पर सेक्स स्क्वायर थीटा से सेक क्यूब का एक टाइम कट गया, यहाँ पे बस सेक थीटा बचा, तो यहाँ पे अब क्या बचा वन बाई सेक थीटा इंटू डी थीटा। अब हमारे पास क्या बचा है, सिर्फ हमारे पास बचा है के लैम्डा अपॉन आर, के लैम्डा अपॉन आर, और यहाँ पे
बचा है सिर्फ sec थीटा, सॉरी 1 बाई sec थीटा d थीटा और इनका इंटीग्रेशन। तो 1 बाई sec थीटा हमारा cos थीटा हो जाएगा, k लैम्डा बाई r इंटीग्रेशन ऑफ cos थीटा d थीटा। और ये इंटीग्रेशन अब ये थीटा के टर्म्स में आ गया, ठीक है। अब इसे कैसे समझना है, इंटीग्रेट हम थीटा के टर्म्स में कैसे करेंगे ये पूछ रहा है। अब इंटीग्रेट करना है हमें, थीटा कैसे चेंज हो, तो थीटा कैसे चेंज हो रहा है, यहाँ से थीटा कितना होगा इस पॉइंट पे, ज़ीरो। यहाँ पे कुछ होगा, मान लो 0 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री, ऐसे करके थीटा कैसा होता जा रहा है। यहाँ पे ये ऐसे है, फिर ये इस वाले चार्ज के लिए ऐसे, फिर इस वाले चार्ज के लिए ऐसे, इस वाले चार्ज के लिए ऐसे, इसके लिए ऐसे, ऐसे इन्फाइनाइट, बहुत दूर, मतलब इन्फाइनाइट तक जाते जाएंगे। जब हम इन्फिनिटी पर पहुँच जाएंगे ना, तो हमारा थीटा जो हो जाएगा वो 90 डिग्री हो जाएगा। समझ पा रहे हैं कि हम, अगर हम ये थीटा है अभी ये यहाँ पे है, ऐसे ही हमें इन्फाइनाइट तक जाना है, तो इन्फाइनाइट तक पहुँचते, इन्फाइनाइट तो कहीं होता ही नहीं है ना, इसका मतलब ये वाली लाइन कभी इंटरसेक्ट करेगी नहीं, क्योंकि इन्फाइनाइट पे कुछ चीज़ इन्फाइनाइट पे कोई जा ही नहीं पाएगा ना, इन्फाइनाइट तक पहुँचेंगे ही नहीं। तो इन्फाइनाइट में जब बहुत इन्फाइनाइट तक जाने की कोशिश करेंगे तो उसके पैरेलल हो जाती है लाइन, पैरेलल मतलब 90 डिग्री। तो यहाँ से अगर लेंगे तो यहाँ पे प्लस का 90 डिग्री हो जाएगा, तो प्लस के 90 डिग्री में क्या हो जाएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक के सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी। फिर इधर के भी तो चार्ज है भाई, इधर भी तो उतना ही है माइनस इन्फिनिटी तक, तो हम यहाँ से लेके फिर यहाँ तक अलग से लेंगे, वो हो जाएगा हमारा माइनस का पाई बाई टू। पाई बाई टू मतलब 90, मतलब माइनस से 90 तक, प्लस के 90 तक हमें इंटीग्रेट करना है कि यहाँ से थीटा घूमा, यहाँ से इन सबको लेते लेते यहाँ पे जाके ऐसे पैरेलल हो गया, ठीक है। तो हमारा जो थीटा के टर्म्स में इंटीग्रेशन होगा वो होगा हमारा माइनस पाई बाई टू से प्लस पाई बाई टू तक। कॉस थीटा का इंटीग्रेशन जो होता है ना हमारा, इस कॉस थीटा का इंटीग्रेशन हमारा होता है साइन थीटा, ठीक है। तो कॉस थीटा का इंटीग्रेशन किया हमने, के लैम्डा बाई आर ऐसी कैसा है, कॉस थीटा का इंटीग्रेशन हुआ हमारा साइन थीटा माइनस पाई बाई टू से प्लस पाई बाई टू। यहाँ पहले थीटा की जगह अपर लिमिट पुट करते हैं, साइन अपर लिमिट क्या है पाई बाई टू, फिर माइनस लगाते हैं, फिर लोअर लिमिट पुट करते हैं, तो लोअर लिमिट क्या है साइन माइनस का पाई बाई टू, ठीक है। और इधर तो है ही है ये के लैम्डा बाई आर, सॉरी मल्टीप्लाई में है के लैम्डा बाई आर, साइन पाई बाई टू मतलब साइन 90, साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है 1, माइनस साइन माइनस का पाई बाई टू की वैल्यू होती है माइनस 1, ये माइनस बाहर आ जाएगा साइन से, तो साइन पाई माइनस का पाई बाई टू हो जाता है माइनस का साइन पाई बाई टू, ठीक है। और साइन पाई बाई टू तो 1 होता ही है, दैट मीन्स ये वैल्यू हो गई माइनस का 1, तो ये हो गया माइनस का 1, ठीक है। ये हो गया के लैम्डा बाई आर 1 माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पे आ जाएगा 2, तो के की जगह के की वैल्यू होती है 1/4π ε0, तो 2 लैम्डा बाई 4π ε0 r, 2 से 2 कैंसिल कर सकते हैं हम, लैम्डा बाई 2π ε0 r, ये हो गई हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इस इन्फाइनाइट लॉन्ग चार्ज की वजह से। आई होप आपको समझ में आया हो, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको समझ में आया है देन एक बारी पूरा रिपीट कर देती हूँ मैं। तो सबसे पहले हमारे पास इन्फाइनाइट लॉन्ग चार्ज वायर था, उसमें हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी थी, हमने एक छोटा सा चार्ज यहाँ पे कंसीडर किया जो कि आर डिस्टेंस पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी थी, एक्स डिस्टेंस दूर हमने चार्ज कंसीडर किया, यहाँ थीटा एंगल है तो ये हाइपोटेन्यूस अंडररूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर हो गया, ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इसकी वजह से। इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट है वो हर किसी चार्ज का कटता जाएगा, हमारा सिर्फ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है डीई कॉस थीटा, वही हमें इलेक्ट्रिक फील्ड देगा, ठीक है। तो हमें डीई कॉस थीटा का इंटीग्रेशन करना है माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, उसके लिए हमें डीई की वैल्यू चाहिए, कॉस थीटा की वैल्यू चाहिए। डीई की वैल्यू क्या होती है, डीई तो नॉर्मल इलेक्ट्रिक फील्ड का के क्यू बाई आर स्क्वायर फॉर्मूला होता है, तो के, लेकिन ये डीई है तो यहाँ पे भी डिफरेंशियल मतलब के डी क्यू बाई आर स्क्वायर, डी क्यू हमारा आ जाएगा लैम्डा डी एक्स, ये हमारी लीनियर चार्ज डेंसिटी, तो यहाँ पे हमारी डीई की वैल्यू आ गई, डीई की वैल्यू पुट कर दी। कॉस थीटा यहाँ से निकालेंगे, कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, बेस है हमारा आर, हाइपोटेन्यूस हमारी अंडररूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये हमने पुट कर दिया, ठीक है। ये आर हमारा कांस्टेंट है, के कांस्टेंट है, लैम्डा कांस्टेंट है, बाहर ले लिया डी एक्स एज इट इज़, यहाँ 1 पावर है, यहाँ 1/2 है, 3/2 हो गई पावर हमारी। इसके बाद हमने टेन थीटा लिया है, टेन थीटा हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, एक्स की वैल्यू निकालेंगे आर टेन थीटा, एक्स को डिफ्रेंशिएट करेंगे थीटा के टर्म्स में, आर एज इट इज़, टेन थीटा का डिफ्रेंशिएशन सेक्स स्क्वायर थीटा होता है, डी एक्स की वैल्यू यहाँ थीटा इधर जाएगा, आर सेक्स स्क्वायर थीटा डी थीटा हो जाएगी। हमने ये वैल्यू यहाँ पुट कर देनी है डी एक्स की जगह पे, और एक्स स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा हमारा आर टेन थीटा, तो आर टेन थीटा का होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2। यहाँ पे इसको अगर स्क्वायर खोलेंगे तो आर स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2,
आर स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया, यहाँ पे बचा टेन स्क्वायर थीटा प्लस का वन, ये होता है हमारा सेक स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे थ्री बाई टू है, टू से टू कैंसिल, मतलब सेक क्यूब थीटा, यहाँ पे भी आर क्यूब हो जाएगा, ये इससे कट गया, यहाँ पे हमारा बचा के लैम्डा बाई आर, वन बाई सेक थीटा डी थीटा, वन बाई सेक थीटा होता है हमारा कॉस थीटा डी थीटा, और ये हमारा एंगल माइनस पाई बाई टू से प्लस पाई बाई टू जाएगा, यहाँ पे माइनस पाई बाई टू तक ये एंगल बढ़ेगा और यहाँ से प्लस पाई बाई टू तक ये एंगल बढ़ेगा, के लैम्डा बाई आर एज इट इज़ इंटू इसका इंटीग्रेशन साइन थीटा माइनस पाई बाई टू से प्लस पाई बाई टू, अपर लिमिट पुट करेंगे साइन पाई बाई टू माइनस लोअर लिमिट मतलब साइन माइनस पाई बाई टू, साइन पाई बाई टू वन होगा, साइन माइनस पाई बाई माइनस वन, माइनस माइनस प्लस टू के लैम्डा बाई आर, टू लैम्डा बाई फोर पाई एप्सिलॉन नॉट आर, टू से ये कैंसिल आउट, लैम्डा बाई टू पाई एप्सिलॉन नॉट आर। आई होप आपको समझ में आया हो, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल को, तब तक के लिए बाय बाय।